इसलिए हॉस्टल का ये सारी चीजें देखेंगी। ठीक है, तो मिले काफी लोगों से। इस पोस्ट का कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है, अभी तो ये वॉलीबॉल हो रहा है, अभी क्रिकेट विकेट होना बाकी है। रैगिंग मतलब जो एक बीएचयू का होता है ना, एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाते हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि बीएचयू के हॉस्टल में उसका पालन नहीं होता है। ये मैं अभिरंग हमारी एनडी का जान है और एनडी के यूनियन सोशल साइंस फैकल्टी ऐसी हंसते खेलते आगे बढ़ती है। हंसते खेलते आईएएस यूपीएससी पीसीएस सब निकालते हैं। आप क्या निकालेंगे? हम आप जो बोल दे उसको हम निकालेंगे। मेरे जैसे बच्चे आ जाते हैं, जो एक दो बच्चे जो यहाँ लीडर बनने की कोशिश करता है ना, छात्र लगा देते, अच्छा उनको दबा के, हाँ लीडर नहीं बनना है, भाईचारा ना अपनाना है, नेता नहीं बनना है, नेता नहीं, यहाँ भाई भाई, जब सीनियर तुमको भाई माना तो जूनियर फर्ज क्या होता है, उसका कोई फायदा है इंटर फैकल्टी स्पोर्ट्स में? आप उसके यूजीसी कंडक्ट कराती है ना, आप उसके सर्टिफिकेट यूज करके आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। क्लियर है? कभी रैगिंग वैगिंग देखा है? भाई 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 का संबंध है, कोऑपरेटिव है, सारे भैया लोग कोऑपरेटिव है। मेरा दीपक कुमार। दीपक कुमार कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से। लेकिन बल का प्रयोग न्याय और धर्म से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बल करुणा और दया से मुक्त होना चाहिए, वही बल बलवान होता है। बढ़िया, जरूरत आने पर कलम से जवाब देते हैं, जरूरत आने पर तलवार से जवाब देते हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं एएनडी आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, सोशल साइंस फैकल्टी का छात्रावास है, और वॉलीबॉल चल रहा है। आप देख सकते हैं वॉलीबॉल चल रहा है, एक टीम का, ये ब्लैक वाली टीम का क्या नाम है? थर्ड ईयर। ये सभी लोग थर्ड ईयर के हैं? ब्लैक वाले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये हैं थर्ड ईयर के। तो ये जो गेम हो रहा है यहाँ पे, ये हमेशा कंडक्ट कराया जाता है, हर साल? हर साल होता है। यूथ फेस्ट है ये। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। ये बोल रहे हैं थर्ड ईयर के सिर्फ स्टूडेंट हैं, ये बीए थर्ड ईयर के हैं जी। इधर थर्ड ईयर की टीम है, उधर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की मिक्स टीम। अच्छा, मिक्स टीम है जी। कोई ट्रॉफी वोफी रखी जाती है जीतने के बाद? जी, हर साल ट्रॉफीज होती है। ये फेस्ट जो हमारे हॉस्टल का फेस्ट है, ये हर साल होता है, और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी मिलेगा। एंड एट द लास्ट एक मिस्टर अभिरंग भी होता है, जिसके पॉइंट्स भी इस इवेंट में जुड़ेंगे। अच्छा, ये पॉइंट जिनके अभिरंग क्या है? ये अभिरंग हमारे हॉस्टल का यूथ फेस्ट है, कल्चरल यूथ फेस्ट, हर साल कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, और इस साल भी हो रहा है, उसी के क्रम में ये एक इवेंट वॉलीबॉल का चल रहा है। अच्छा, हॉस्टल का अभिरंग है और फैकल्टी का अभिकल्पन है, ऐसे ऐसे गेम्स कंडक्ट कराने जाने चाहिए, क्या फायदे होते हैं इससे? जी, ऐसे हॉस्टल के फेस्ट में अगर देखा जाए तो एक किताबों की दुनिया से कुछ दिनों के लिए आराम मिलता है सबसे पहले तो, और अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने का एक अच्छा मौका मिलता है एसएफएस से। तो एसएफएस कंडक्ट कराया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्टूडेंट का हॉस्टल लाइफ में समग्र विकास हो सके, और उसके लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो रहें अपने अंदर की प्रतिभा को सिर्फ किताबों की दुनिया तक सीमित न रखें, बल्कि जैसे बाकी एरियाज हो गए, गेम्स हो गए, लिटरेरी इवेंट्स हो गए, और अभिरंग के अंतर्गत हम डिबेट्स भी कराते हैं, टर्न कोर्स भी कराते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गए, इंडोर गेम्स के साथ आउटडोर गेम्स, अभी हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट समाप्त हुआ है आज ही सुबह, अभी वॉलीबॉल का चल रहा है, कुछ देर में अंदर कैरम भी प्रारंभ होगा, बैडमिंटन का भी कल हुआ था। तो इस तरह से छात्रों के समग्र विकास में ऐसे टूर्नामेंट्स की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सही बात बताई इन्होंने कि गेम का कितना महत्व होता है जीवन में, और हमें नहीं लगता कि बीएचयू में, पूरे बीएचयू लेवल पे ये ऐसा गेम नहीं होता है कहीं और। इकलौता हॉस्टल, अब एएनडी इकलौता हॉस्टल है जिसका खुद का हॉस्टल फेस्ट होता है, और किसी हॉस्टल का इकलौता हॉस्टल बीएचयू में और किसी हॉस्टल में, सिर्फ एएनडी हॉस्टल का हॉस्टल फेस्ट होता है। तो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मेरा नाम सम्यक सर है। चलिए सर जी, बताइए ये गेम जो हो रहा है ये कौन खेल रहा है भाई? इधर सेकंड ईयर की टीम है और थर्ड ईयर भैया लोगों की टीम है, जूनियर सीनियर सब मिलके खेल रहे हैं। हाँ, सब मिलके, लेकिन मेनली इधर सेकंड ईयर वाले हैं, उधर थर्ड ईयर वाले हैं। अच्छा, तो ये माहौल क्या वो बता रहे थे, हर साल ऐसे ही होता है? तो ये बिल्कुल सही है, हमेशा होता और पूरे बीएचयू, हमें नहीं लगता कि और भी कोई ऐसा किसी हॉस्टल कराती है। पूरे बीएचयू में के लिए ये केवल एएनडी हॉस्टल, हमारे हॉस्टल की वार्षिक फेस्ट है, तो ये हमारे सिर्फ हॉस्टल्स में ही होती है। हमारे हॉस्टल का अभिरंग युवा महोत्सव सिर्फ अपने हॉस्टल का, और ये एकमात्र ऐसा महोत्सव जिस किसी हॉस्टल का, बाकी और होते हैं तो किसी फैकल्टी के होते हैं या कोई डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन अभिरंग जो है सिर्फ मतलब एक हॉस्टल में, ऐसा किसी भी हॉस्टल नहीं है जहाँ पे उसका वार्षिक महोत्सव हो। अच्छा, जब गेम वेम ऐसा है ये सब कुछ नहीं होता है, तो फिर भी क्या लोग वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ सैटरडे को भी डिबेटिंग होता है,
हमेशा होता है, बैडमिंटन भी वहाँ पे कोर्ट है, हमेशा हमारे जो मित्र हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं वो खेलते रहते हैं, ये वॉलीबॉल भी है सारे। सोशल साइंस वाले आर्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अलग है, बहुत कैसे अलग है हमारे यहाँ, मतलब की सारी चीजों की अलग अलग बताते हैं कैसे। यहाँ आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी, यहाँ अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई राजनेता बनना चाहता है, कोई सिंगिंग में जाना चाहता है, कोई डांसिंग में जाना चाहता है, कोई क्रिकेट में जाना चाहता है, कोई हॉकी में जाना चाहता है, शून्य से लेकर शिखर तक के लोग यहाँ पे, हर तरीके के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या बोल रहे थे आप? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग के जो सीनियर्स ने हमें जो लेगेसी दिया है वो हम लोग के जो मार्क दिखाते हैं वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि और भी हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, तो हमारे हॉस्टल में जो सीनियर्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि ऐसा करना है, और वो खुद अपने आप में बहुमुखी प्रतिभाधनी है। हमारे सीनियर्स के बैच में आप देख सकते हैं कोई बहुत सा कवि भी है, एक से एक खिलाड़ी भी हैं, एक से एक पढ़ने वाले भी हैं, मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ से महारती हासिल नहीं किए हो। साइंस वाले आईआईटी वाले यहाँ पे हर प्रकार का क्लब है, डांसिंग क्लब है, पेंटिंग क्लब है, सिंगिंग क्लब है, डिबेट का क्लब, आप जिसमें भी बढ़िया है पार्टिसिपेट करना चाहते आप समय पार्टिसिपेट, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज पेपर आता है। आप हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? प्रशांत यादव। प्रशांत यादव कहाँ से हैं आप लोग? मैं तो बिहार से हूँ और ये आजमगढ़ से हैं। और कौन सा ईयर पड़ेगा? हम लोग का सेकंड ईयर है। तो क्या हॉस्टल में बीएचयू में मजा आ रहा है पढ़ने में? इधर लाइट के सामने आ जाइए, लाइट के सामने ही मजा है, बहुत ज्यादा मजा है, मतलब फील कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्टल में या बीएचयू में इन कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज जैसे डांसिंग भी, अभी हम लोग का अभिरंग में डांसिंग होने वाला है, सिंगिंग होने वाला है, अभी आज दिन में डिबेटिंग वगैरह, डांस भी बढ़िया, और आज का कोर्स भी लिए हुए हैं। मेरा लो भाई, मैं आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? दिनेश राय। पहले शायद मिल चुके हैं क्या हम लोग? क्या पहले शायद मिल चुके हैं क्या हम लोग? हाँ मिल चुके हैं। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आप भी सोशल साइंस फैकल्टी के हैं? जी जी। क्या बोलना चाहेंगे इतना बढ़िया कार्यक्रम? ये अभिरंग हमारे एनडी का जान है, और एनडी के यूनियन सोशल साइंस फैकल्टी ऐसी हंसते खेलते आगे बढ़ती, हंसते खेलते आईएएस यूपीएससी पीसीएस सब निकाल। आप क्या निकालेंगे? हम आप जो बोल दे उसको हम निकाल। जिस पर हाथ रखेंगे वो सोना हो जाएगा। मैं जिस पे हाथ रखूंगा? मैं रखूंगा, आप जो बोल दे। ये मेरे ऊपर हाथ रख रहे हैं, इनका कहना नहीं, इनका कहना है कि आप बोलिए और मैं वो करके दिखा दूंगा। ये परिपेक्ष्य बोलना चाहिए। सोशल साइंस वाले छात्र के आर्ट्स फैकल्टी के छात्र से क्या कंपेयर करेंगे? क्या कहते हैं? पोटेंशियल सबके पास होता है, जिस भी फैकल्टी में जाइए, जिस डिपार्टमेंट जाइए, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई के गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़ाई मारपीट में नहीं रखते हैं। आप लड़ाई कीजिएगा, आपका एक साल बर्बाद होगा, बिल्कुल बर्बाद होगा, है ना? तो हम लोग का एनडी बहुत शांत और बहुत ही छोटा हॉस्टल है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है। जरूरत आने पर कलम से जवाब देते हैं, जरूरत आने पर तलवार से जवाब देते हैं, उठा लेते वाह, है ना भैया? बहुत ये हमारा हॉस्टल, हमारा जो यूनियन है वो काफी। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कोई जानता है क्या? यस, आचार्य नरेंद्र देव यहाँ के प्रोफेसर भी थे और वो विद्यापीठ से संबंध रखते थे, यहाँ आए और यहाँ के चीजों को संभाले, और जिस तरह उनका नेतृत्व था इसलिए इस हॉस्टल का, अभी एमके राय सर आए थे उन्होंने बोला था, और हॉस्टल का निर्माण भी हो रहा था तो उनमें उनका बहुत बड़ा रोल था, इस कारण इस हॉस्टल के नाम एनडी आचार्य नरेंद्र देव रखा गया। अच्छा, और खेल कूद के साथ पढ़ाई लिखाई भी होती है? पढ़ाई लिखाई हर गतिविधि में आके बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, शांत भी है, और एक मेरे भाई समय भाई ने बोला कि जरूरत आने पर तलवार भी आता है तो तलवार भी आता है। यहाँ के जो सीनियर भैया है वो लोग खुद सिखाते हैं कि आप झगड़ा मत कीजिए पहली बात, लेकिन आप मार करते हैं, झगड़ा करते हैं, हम लोग केवल आपको एक बार सपोर्ट करेंगे, हम जाके उससे मार कर दिए, उससे उसको मार दिए, लेकिन तब आगे आपको प्रॉब्लम है, आगे आप मार खाएंगे तो हम बार बार आपको एक बार वो चांस देते हैं बनिए, लेकिन बल का प्रयोग न्याय और धर्म से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बल करुणा और दया से मुक्त होना चाहिए, वही बल बलवान होता है। सुविधाएं भी हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो यहाँ की मैस के बारे में ना सुना हो, है ना? और यहाँ पे हमारे हॉस्टल में खुद की अलग से लाइब्रेरी भी है, तो आप समझ सकते हैं कि लेगेसी किस हद तक है। अच्छा ये बताइए, सीनियर की बातें हो रही थी, आप लोग यहाँ पे हॉस्टल में आए होंगे, हॉस्टलर हैं, कभी रैगिंग वैगिंग देखा है? नहीं, नहीं, भाई 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 का संबंध है, सारे भैया कोऑपरेटिव है, सारे भैया लोग कोऑपरेटिव है। मेरा दीपक कुमार। दीपक कुमार कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से? कभी रैगिंग वैगिंग यहाँ पे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब एनडी हॉस्टल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ के जो सीनियर्स है वो
रैगिंग मतलब जो एक बीएचयू का होता है ना, एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाते हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि बीएचयू के हॉस्टल में उसका पालन नहीं होता। ये मैंने एक लौता ऐसा हॉस्टल देखा जहाँ उस चीज का पालन होता है, सीनियर आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ पे यहाँ आना चाहते हैं, अभी पूरा खेल कूद का जो माहौल है तो ऐसा ही बातें करूंगा। कई लोग आना चाहते हैं यहाँ पे कि क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट में एक नया काम कमाए, ऐसा भी कुछ होता है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ से बच्चे आगे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि बस साइंस वाले भी आते हैं। रोहित भैया है वो यहाँ पे इंटर फैकल्टी, उनके ऊपर फोकस दिखाया था रोहित भैया। हाँ। वो यहाँ पे इंटर फैकल्टी स्पोर्ट्स खेल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं रोहित भाई जी। उसका कोई फायदा है इंटर फैकल्टी स्पोर्ट्स? आप उसके यूजीसी कंडक्ट कराती है ना, आप उसके सर्टिफिकेट यूज करके आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। आपको उसमें रिजर्वेशन हॉस्टल का माहौल कैसा है? बढ़िया है, सब लोग बच्चे आ जाते हैं, जो एक दो बच्चे जो यहाँ लीडर बनने की कोशिश करता है ना, मोबाइल लगा देते हैं। अच्छा, उनको दबा के हाँ लीडर नहीं बनना है भाईचारा, नेता नहीं बनना है यहाँ भाई भाई। जब सीनियर तुमको भाई माना तो जूनियर फर्ज क्या होता है? छात्र संघ कराना चाहिए क्या बीएचयू? नो, ये बीएचयू कुछ नहीं बनना है, विद्यापीठ नहीं बनना है, इलाहाबाद नहीं बनना है। बीएचयू खास है, एनडी खास है, एनडी खास है, उसे बीएचयू और भी खास है। यहाँ के अलमनाई की लिस्ट को देखिए, खत्म ही नहीं होती है। आप बात कर रहे थे रैगिंग की, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप बता सकते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है? यहाँ पे जूनियर की तरह बिल्कुल भी नहीं रहते, यहाँ पे हम लोग छोटे भाई बड़े भाई जैसे रखते हैं। जूनियर है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आप सीनियर है, आप जूनियर लग रहे हैं मुझे। यही तो है, जितने भी मतलब कि यहाँ लड़के हैं इतना बढ़िया तरीके से मतलब रहते हैं, सब सीनियर सब इतना सपोर्टिव है। सीनियर है कि जूनियर है इनके, मतलब इनके सीनियर है फर्स्ट ईयर में है, ये हम लोग सेकंड ईयर। पानी वानी मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते? एज अ रिपोर्टर कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पे सीनियर कौन है जूनियर कौन है? यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं होता, सब बड़े भाई छोटे भाई जैसे, इवन हम बड़े भाई जैसे अगर हम सीनियर है तो हमारे अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा छोटा भाई आया है तो उसको किस तरीके से मार्गदर्शन देना है, वो रैंकिंग नहीं होगी अगर मैं आपको कोई सजेशन दूंगा। और देखिए एनडी एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे बीएचयू की आईएएस फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत यूपीएससी सिविल सर्विसेज जितने भी एग्जाम्स नेशन है यहाँ से आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। अभी अगर आप आएंगे तो 3 मई को यहाँ पे एल्यूमिनियम मीट है, उस एल्यूमिनियम मीट में आपको डीआईजी आईजी से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक मिल जाएंगे यहीं पे, यानी एक बहुत बड़ा एक पदवी वाले लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं 3 मई को। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सोशल साइंस में एडमिशन लेना मतलब सही है, वर्थ है सोशल साइंस फैकल्टी, और उसके बाद आपका एनडी में सिलेक्शन होना एक हिसाब से प्रिविलेज माना जाता है। उसको हॉस्टल मिलता है आप लोग को भाई एनडी में? देखिए पहले कम्पीट करते हैं 3 लाख लड़के, फॉर्म भरेंगे 3 लाख लड़कों में कम्पीट करके 1000 लड़के, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 500 लड़के आते हैं बीएचयू में, उसमें से 20 से 30 लड़के आते हैं पूरे भारत से एएनडी हॉस्टल में। ये आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल की लेगेसी है और यही लेगेसी से खास बनाती है। और ये अभिरंग आप जो देख रहे हैं, अभिरंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको लिटरेरी से लेके स्पोर्ट्स से लेके सिंगिंग स्टेज एक ऐसा डाइवर्जेंस मतलब देता है, इतनी डाइवर्सिटी देता है कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पोर्ट में आप देख सकते हैं एक प्रोफेशनल मैच जैसा चल रहा है, अधिकतर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने और टॉपर लड़कों को खेलते हुए ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन आपको ये हॉस्टल देख कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए लग रहा है माहौल स्पोर्ट का है, बट इन्हीं यही बच्चे ऑल इंडिया रैंकर भी हैं, किसी की ऑल इंडिया रैंक 15 है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 5 है, तो आपको ऐसा नहीं, यहाँ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे स्पोर्ट्स से लेके लिटरेचर से लेके सारी चीजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार मौर्य और मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा अमित, सोशल साइंस में अगर कोई एडमिशन लेता है बीएचयू के और कोई दिमाग में कुछ मैनिफेस्टो बना के चलता है कि हमें ये चीज क्वालिफाई करना है, किसी को सीडीएस निकालना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को एनडीए निकालना है, किसी को यूपीएससी क्वालिफाई करनी है, तो क्या वो अपने एम से स्ट्रिक्ट रह सकता है यहाँ पे पढ़ते पढ़ते? एकदम माहौल मिलता है। हाँ, पूरा एनडी हॉस्टल में आपको माहौल के नाम पे मैं क्या बता दूँ, लाइब्रेरी जनरली हॉस्टल्स में नहीं होती, लेकिन एनडी में लाइब्रेरी भी है और वहाँ से बुक भी इशू होती है। अच्छा। यहाँ तक का माहौल है कि वहाँ से आप बुक इशू करा के पढ़ भी सकते हो, ये आपको किसी हॉस्टल में नहीं मिलेगा। खेलना होगा, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाएंगे, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देती है। लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, हॉस्टल में जो गेम्स की सुविधाएं होती हैं, क्या वार्डन कुछ करता है इसके लिए, प्रोवाइड कराता है मटेरियल चीजें? हाँ, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जो स्पोर्ट रिलेटेड चीजें देखता है, तो उसके लिए वहाँ से संपर्क करना पड़ता है, तो वहाँ से सारा फंड आता है स्पोर्ट के लिए, बीएचयू में अलग से फंड अलॉट होता है और वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है।
अगर स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट की बात है तो स्पोर्ट्स कमेटी देखती है, मेस कमेटी देखती है, सारी ऑथराइज्ड कमेटी हॉस्टल में ही फॉर्म होती है कि ये मेस यानी खाने की क्वालिटी देखेगी कि खाना कैसा बन रहा है बच्चों के लिए, देखेगी और सफाई के लिए हॉस्टल का ये सारी चीजें देखेंगी। ठीक है, तो मिले काफी लोगों से, इस पोस्ट का कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है, अभी तो ये वॉलीबॉल हो रहा है, अभी क्रिकेट विकेट होना बाकी है, अभी 5 दिन तक और इवेंट्स होंगे और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे। स्टूडेंट लाइफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार हम लोग नारा लगाना चाहेंगे। आइए भैया, नारा नहीं लगाएंगे आप लोग? हम लगा देते हैं। जय 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 बिरला लोग लगाते हैं। पार्वती ने खाना यार। देखिए बिरला और एएनडी का अगर मैं